जाग प्यारे अब तू काहे को सोवे, रहन गए दिल काहे को खोवे, जिन जागा तिन मालक पाया, तैं बारे सब सोए गवाया। कहते हैं कि हमने तो खाबे खरगोश में ये जन्म ही गवा दिया है, मगर जो किसी महापुरुष की दया मेर से जाग उठे हैं उन्होंने तो हीरे ज्वारात पा लिए हैं। और इस जन्म में हीरे ज्वारात क्या हैं, क्योंकि यहाँ तो हम मटेरियलिज्म की दुनिया में रहते हैं, भौतिकवाद की दुनिया में रहते हैं। हमारे पास जो तशबीहें हैं, जो इश्तियारे हैं, जो मेटाफोरिक सिम्बलिज हैं, जो अल्फाज हैं, वो तो सब के सब मटेरियल वर्ल्ड को बिलोंग करते हैं। अब हम चेतनता को यहाँ जो मटेरियल अल्फाज हैं, भौतिकवाद के जो लफ्ज़ हैं, जो शब्द हैं, उनमें कैसे बयान कर सकते हैं? तो आप ये कहते हैं कि हम तो हमें तो हीरे और मोती और जवाहरात जो हैं उन्हें पाना है। और इस संसार में हीरे और मोती और जवाहरात क्या हैं, जो सबसे बड़ी पेश मूल्य कीमत है यहाँ, जो अमूल्य वस्तु है यहाँ, वो है अपने आप का जानना और प्रभु को पाना, वो है नाम की दौलत और सद्गुरु की कृपा। तो यही कहते हैं कि अगर हम ये चाहते हैं कि ज़िंदगी का ध्येय मिल जाए, तो उसके लिए हमारी जो तवज्जो है उनका मरकज यही दो चीज़ें बननी चाहिए, एक हमारा सद्गुरु और दूसरा नाम। पिया तेरे चतुर तू मूर्ख नारे, कब होना पिया के सेज सवारे। अब ये कह रहे हैं कि हमारी जो जान की जान है, जो प्राणों के प्राण हैं, जो रूहे रवान हैं, जो प्रभु है, उसको तो हम भूल जाते हैं। और हम तो मूर्ख हैं, हम तो अपनी हकीकत को नहीं जानते। हमें चाहिए तो ये था, ये हमें जो मनुष्य जन्म मिला था इसमें प्रभु को मिलने की तैयारी करते। हमने अपने महबूब को मिलना है, जो हमारा महबूब है वो तो पवित्रता मुजस्म है, वो तो प्योरिटी परसोनिफाइड है। और यही बाइबल में कहा है कि ब्लेसिड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड, कि वही प्रभु को पा सकेंगे और उन्हीं का जीवन जो है ये कामयाब होता है जो अपने प्रभु को पाते हैं। और प्रभु है पवित्रता का मुजस्मा, तो जब तक हमारी आत्मा पवित्र नहीं होती वो प्रभु को पा नहीं सकती। अब देखिए, जैसे युवती अच्छे वस्त्र पहनती है, अच्छे आभूषण पहनती है, तो हमारे भी ये जो चरित्र है, ये जो करैक्टर है, ये जो हमें नम्रता है, ये जो हमें पवित्रता है, ये जो नॉन वायलेंस की खूबी है, जो निष्काम की खूबी है, यही हमारे आभूषण हैं, यही हमारे वस्त्र हैं। तो हमने इन सब को पाना है। और फिर हमने अपने चेहरे के जितने जो दाग हैं काम क्रोध लोभ और अहंकार के, इन सब से पाक करना है, साफ करना है, पवित्र करना है। मगर हम तो दुनिया की जितनी ये चिर चीज़ें हैं हम तो उनमें गिरे हुए हैं। हमें तो सटल होना है, हमें नाजुक होना है, हमें पाक होना है। ये जो हम पे स्थूल सूक्ष्म और कारण जिस्म हैं, ये पर्दे हैं हम पे, इन सबको हमें हटाना है। और जब ये हट जाएंगे तो तभी हमारा जो जिस्म है, जो हमारी आत्मा है, क्योंकि दुनिया में तो हम जिस्म की बात करते हैं, इस संसार में प्रभु के रास्ते में आत्मा की बात करते हैं, तो इसके ऊपर जितने ये पर्दे हैं इन सबको हमें हटा देना है, ताकि हम सूक्ष्म से सूक्ष्म हो जाएं, हम नाजुक से नाजुक बन जाएं, हम सटल से सटल बन जाएं। और
तभी हम अपने परमात्मा को पा सकते हैं, अपने प्रीतम को पा सकते हैं। और हमने तो फूलों की सेज जो है अपने प्रीतम के लिए सजानी है, और फूल कोमल होते हैं, उनमें से सुगंध आती है। और ये जो कोमलता है, ये हमारी आत्मा की कोमलता है, इससे जब सब गुलाब उतर जाते हैं तो तभी ये कोमल बनती है। और इसी से सुगंधी आनी चाहिए, खुशबू आनी चाहिए। और हम में से तो काम क्रोध लोम और अहंकार की बदबू आती है। अब ये अपने अपने अंदाज की बात है। संत महात्मा हमारी दुनिया की ये जो सिमलीज हैं, यही जो उपमा हैं, यही जो इश्तियारे हैं, इन्हीं से काम लेते हैं। तो वो कहते हैं कि हमें जितने ये गुनाह हैं उन सब से अपनी आत्मा को पाक साफ करना है, ताकि ये नर्म नाजिक हो जाए। इससे जितने बदनामा दब्बे हैं उन सबको साफ करना है, ताकि अपने प्रीतम के ये पेश होने के काबिल हो सके। कहने हमारी ज़िंदगी का आदर्श तो ये था कि हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और माया के जितने पर्दे हैं वो सब उतार देते, और प्रभु की जितनी खूबियाँ हैं उन सबको ग्रहण कर लेते। वह कहते हैं कि हमने तो ज़िंदगी में ये काम नहीं किया है, और हमारी ज़िंदगी बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, और अब तो हमें जो अपना अंत है वो सामने दिखाई देता है। और जैसा कि बाबा फरीद ने कहा है कि अग्गे नेड़े आया पीछे रहा दूर। और ये भी एक अजीब भूल है कि जब हमारा बचपना होता है तो हम कहते हैं कि ये तो खेल कूद का वक्त है, जब जवानी आती है तो हम कहते हैं कि चलो जो दुनिया की कुछ चंगदलियाँ मना लें, जब बुढ़ापा आएगा तो फिर प्रभु की तरफ रुजू करेंगे। और जब हमारी जवानी डलती है तो फिर हमारी वो उम्र आती है जिसे के संत महात्माओं ने गधे की उम्र कहा है। हम कोशिश करते हैं कि जितनी हम पे जिम्मेवारियाँ हैं दुनिया की, वो सब की सब हम पूरी कर सकें, और हम दुनिया की दौलत और दुनिया की ताकत के झंझटों में ही अपना सारा समय व्यतीत कर देते हैं। तो हम दुनिया की जो हवस है उसमें लंपट हो जाते हैं, मगर हमने तो अपने महबूब के लिए, अपने प्रीतम के लिए अपनी सेज सवारनी है, अपने आप को पाक साफ करना है। और सेज पे तो फूलों के कोमल पत्तियों की तरह से जितनी प्रभु की खूबियां हैं उन सबको हमें ग्रहण करना है, वो हम नहीं कर रहे हैं। तो कबीर साहब हमें ये चेतावनी दे रहे हैं कि हमारा आखिरी दिन नज़दीक आ रहा है, हमें अपने आदर्श की कोई रियलाइजेशन नहीं है, हम तो महसूस भी नहीं करते कि हमारा आदर्श क्या है। और कुर्बानी में आया है कि बुलावड़े भुल्ली बुलबुल पछुतानी, कि हम एक भूल से दूसरी भूल में, दूसरी भूल से तीसरी भूल में चले जा रहे हैं। ये एक ग्रैंड डिल्यूजन है कि जिसके हम शिकार बने हुए हैं, और दुनिया हमें सच बात रही है। हालांकि ये दुनिया फानी है, ये नाशवान है, और हमें होश तभी आती है कि जब हम अपनी ओल्ड एज में पहुँचते हैं, हम बुढ़ापे में पहुँचते हैं, कि जिसके हमने ये ख्वाब लिए होते हैं कि बुढ़ापे हम प्रभु में कुछ याद करेंगे। तो जो बुढ़ापा है ये कहा जाता है कि वह आधी मौत के बराबर होता है। हमारे जिस्म के अंग काम करने बंद कर देते हैं, हमारा सर हिलता है, हमारी आंखों से बिनाई जाती रहती है, हमारे कदम लड़खड़ाते हैं, हमारी जो टांगे हैं वो कांपती हैं, सारा शरीर जो है वो कांपता है, और उस वक्त भी हम प्रभु को याद नहीं कर सकते। और अगर प्रभु को याद भी करना चाहें तो उस वक्त भी दुनिया की हवस जाती नहीं है, जो जो उम्र बढ़ती है दुनिया की हवस भी बढ़ती चली जाती है। और कुछ नहीं तो यही ख्याल होता है कि चले पोते और पोतियों को हम खिला लें, और हम में से कोई भी मरने के लिए तैयार नहीं होता। यह हकीकत है कि कोई जो बूढ़ा भी होता वो भी मरने को तैयार नहीं होता। और इसी तरह से हमारे मुर्शिद आज़म एक कहानी सुनाया करते थे कि एक बूढ़ी औरत थी, उसकी नौजवान बच्ची थी, वो बीमार हो गई, बहुत बीमार हुई,
तब बुढ़िया उसके इर्द गिर्द घूमे और उसके सामने प्रार्थना करे कि प्रभु तू इस बच्ची को बख्श दे और मेरी जान इसकी जगह ले ले। तो ऐसा करना एक दिन हुआ कि उसका घर का दरवाज़ा खुला रह गया, एक बैल उसमें घुस आया। वहाँ एक हांडी पड़ी थी जो कि काली थी बाहर से, तो उसमें कुछ खाने को चीज़ थी, बैल ने उसमें मुंह डाल दिया, वो हांडी उसके सींगों में लटक गई। अब जब सींगों में हांडी लटक गई तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, उसने वहाँ वो जो आंगन था उसमें घूमना शुरू कर दिया। और जब इस बुढ़िया ने ये आवाज़ बाहर सुनी तो वो दरवाज़े से जब बाहर आई तो उसने देखा कि इस तरह की एक अजीब शक्ल है जिसके मुंह जो है वो काला है और वो उसकी तरफ भाग के आ रही है। तो उसने समझा कि ये तो मलकुल मौत का फरिश्ता है, मौत का फरिश्ता है। तो वो घबराई, उसने कहा कि भाई मैं नहीं हूँ, मरने वाली तो वो है लड़की, उसकी तरफ चले जाओ। तो यही हम सब की हालत है कि हम किसी भी हालत में मरना नहीं चाहते और बुढ़ापे में भी मरना नहीं चाहते, मगर बुढ़ापे में अब फिर ये बात होती है कि हम प्रभु को याद नहीं कर सकते, जैसा कि नौवीं पातशाही ने कहा है कि हमारा जिस्म जो है नकारा हो जाता है। तो ये एक माया का ऐसा पर्दा है कि जो हमारी ज़िंदगी है इसमें हम सब वादा या फर्दा करते हैं, कल की बात करते हैं। हमारे अधूरे पुनूर समाया करते थे कि प्रोकेस्टिनेशन इज द थीफ ऑफ टाइम, कि हम कल अपनी ज़िंदगी में करते जाते हैं और इसी से हमारी ज़िंदगी में कल पैदा हो जाती है। तो यही बता रहे हैं कि हम अपना सारे ज़िंदगी का जो समय है वो गवा देते हैं। हमारा मकसद तो ये होता है कि हमारी आत्मा का और परमात्मा का जो है मिलाप हो जाए, हम अपने पिया के लिए अपनी सेज जो हैं उसे सवारें, उसे बनाएं, मगर उस काम की तरफ हम तुझो नहीं देते। पिया तेरे चतुर तू मूरख नारे, कब हुना पिया के सेज सवारे। तो यही कहते हैं कि हमारी जिंदगी का जो असली ध्येय है उसकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। अब प्रभु तो ये चाहता है कि आत्मा प्रभु से मिल जाए और प्रभु ने सामान भी ऐसा ही बना रखा है। और यही गुरु साहब ने भी कहा है कि ना तो जो हमारा जिस्म प्रभु ने बनाया है उसमें कुछ कमी है और ना ही जो हमारा खमीर है आत्मा का उसमें कोई कमी है। कमी तो हम में है कि हम जो हमारी ज़िंदगी का असली मकसद है अपने आप को जानना और प्रभु को पाना उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। पिया तेरे चतुर तू मूरख नारे, कब होना पिया के सेज सवारे। तै बोरे बरापन कीना, भर जो बन पियाया अपना चीना। अब यही बताते हैं कि हमने तो ये जो सुनहरी मौका मिला था उसे ही गवा दिया है। हमने दुनिया की दीवानगी में उम्र खो दी है, प्रभु की दीवानगी नहीं की। हमने इस जिंदगी को एक सौदा समझा है, एक बिजनेस समझा है दुनियादारी का। हम अगर इसे सौदा समझते तो हमारी ज़िंदगी का हल हमें मिल जाता। सौदा तो कहते हैं बिजनेस को, लेन देन की बात जो है, सौदे में गिव एंड टेक होता है। दुनिया की जितनी भी हम चीज़ें करते हैं सब गिव एंड टेक करते हैं। दुनिया की ये जो मोहब्बत है इसमें भी खुदगर्जी होती है। दुनिया की जो सबसे अच्छी प्यार की मिसाल दी जाती है वो माँ बच्चे की दी जाती है, मगर माँ को भी कभी कभी दिल में ये ख्याल होता है कि जब बच्चा बड़ा होगा तो मेरी सेवा करेगा। मगर जो प्रभु को मिलने का रास्ता है वो तो सौदा का रास्ता है। सौदा कहते हैं प्यार को, प्रेम को, इश्क को। और जो सौदा होता है वो तो देना जानता है, वो लेना नहीं जानता है।
सौदे में देने और लेने दोनों की बात होती है, जो सौदा होता है उसमें दे दे और दे की बात होती, जैसा कि कबीर साहब ने कहा है, वो तो अपने आप को हवाले करने की बात होती है, कुर्बानी की बात होती है। लव नोज सर्विस एंड सेक्रीफाइस, हमारे हुजूर पुनूर समाया करते थे कि वो तो खिदमत करनी जानता है, सेवा करनी जानता है, कुर्बानी देनी जानता है। तो यही कहते हैं कि हमारी जिंदगी का जो लक्ष्य है, परम लक्ष्य, वो तभी मिल सकता है अगर हम अपने आप को गुरु के हवाले कर दें, अगर हम हर तरह की कुर्बानी प्रभु को पाने के लिए करने के लिए तैयार हों, अगर हमारे दिल की गहराइयों में कोई ऐसी इच्छा नहीं हो कि हम कुछ पाएं, क्योंकि जो प्रभु को पाने का रास्ता है, जो रूहानियत है, वो तो अपने आप को खोने का रास्ता है। इस रास्ते में जिस किसी ने अपने आप को खोया है, उसी ने अपने आप को पाया है। तो यही हमें बता रहे हैं कि हमने ये जो अपना जीवन है ये बेकार जाया कर दिया है, और अब हमें मौत सामने नज़र आ रही है, मगर अब पछताए होत क्या जब चुड़िया चुगे खेत। और जब तक हमारी मौत नहीं आती हम सोए रहते हैं। कबीर साहब ने कहा है कि कहे कबीर तय ही न जागे जब जम का दंड मूड में लागे, मगर बाय दैट टाइम इट इज टू लेट, उस वक्त कुछ नहीं हो सकता। हम जब हमारे होशोवाश कायम होते हैं तो जवानी के दाम में, इंद्रियों के भोगों में, रसों में लंपट रहते हैं, ना हम प्रभु को जीने की तरफ रजू करते हैं, ना हम उसका ख्याल करते हैं, ना हमें उसका एहसास होता है, और नतीजा ये होता है कि हम फिट राशि लाख जिया जूं के चक्र में चले जाते हैं, और क्या मालूम कि कब हमें फिर इस निर्वाण का मौका मिले, हमारी आत्मा को और परमात्मा के मिलाप का मौका मिले। तो राशि लाख जिया जूं का ये जो चक्र व्यूह है, ये हमारे लिए ख़त्म हो जाए और हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलाप हो जाए। बोरे बोरापन की ना भर जो बल पियाया अपना चीना, जाग देख पिया से जना तेरे तोहे छांड उठ गयो सवेरे। अब हमें एक और हकीकत से रूशनास करा रहे हैं कि हम तो सोए रहते हैं और जो गुरु है वो हम पे दया करनी चाहता है। अब कहते हैं कि हम तो सोए हुए हैं और जब हमारी आंख खुलती है तो मालूम होता है कि हमारे प्रीतम आए भी और चले भी गए, हमने उसके दर्शन नहीं किए, हमने उससे मिलाप नहीं किया, जो जो हमें खुशकिस्मती मिली थी उससे हमने फ़ायदा नहीं उठाया। ये गुरु नानक साहब ने कहा है कि धन छूती पर सद जागनता, कि जो स्त्री है, जो हमारी आत्मा है, वो तो सोई रहती है, मगर जो हमारा प्रभु है वो हर वक्त जागता रहता है। जो हमारी जान की जान है, जो हमारी आत्मा की आत्मा है, प्राणों का प्राण है, वो तो बार बार हमें अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है, मगर ये हमारी बदकिस्मती है कि एक का संगत एकत ग्रह बसते मिल बात न करते भाई, कि हमारी आत्मा भी इसी इंसानी जिस्म में है और परमात्मा भी इसी में है, मगर ये एक दूसरे का कभी मुंह नहीं देखते हैं, इनका कभी मिलाप नहीं होता है। और यही एक सूफी ने भी कहा है कि दिला ताक है दरी खाके मिजाजी, चुनी हम तो तिफला खाक बाजी। क्या दिल तू तो कब तक ये जो तेरा खाक का पुतला पांच अनासर का ये जो जिस्म है इसमें गलतान रहेगा,
और बच्चों की तरह से कब तक जो धूल से खेलता रहेगा। तुम्हें चाहिए कि जल्दी से जल्दी जो ज़िंदगी का मकसद है, जो लक्ष्य है, उसकी तरफ तवज्जो कर और सत्य और असत्य का निर्णय कर, क्योंकि प्रभु ने इंसान को विवेक की जो खूबी है वो बख्शी है और यही इंसानी जन्म की फजीलत है। हमारे हुजूर पुनूर अक्सर फरमाया करते थे कि जिनकी रातें संवर गईं उनका सब कुछ संवर गया। कि रात का समय होता है, हम नींद में खो देते हैं, उसी वक्त चोर अपनी चोरी करता है, मगर जो प्रभु को दीवाना होता है वो प्रभु की भक्ति करता है। और अगर हम इन द स्मॉल आवर्स ऑफ द मॉर्निंग या जो ब्रह्म मुहूर्त है उसमें अगर हम जागें तो फिर हमारा और हमारे प्रीतम का मिलाप हो सकता है। क्योंकि अगर हम जाग के उस वक्त भक्ति करें, क्योंकि यही एक सिख की तालीम भी है कुर्बानी के अनुसार कि वो ब्रह्म मुहूर्त में जागे और नाम को ध्याए। हमारे मुर्शिद आजम फरमाया करते थे कि भाई मैं तो रूहानियत के ख़जाने अपने साथ लेकर सुबह सुबह 3 बजे अपने सारे शिष्यों के पास जाता हूँ, मगर मैं वापस ले आता हूँ वो तो सोए हुए होते। तो यही बात कबीर साहब बता रहे हैं कि हमारे पिया आए भी मगर हम सोए रहे, हम जागे नहीं थे, वो चले गए। और यही गुरबानी में आया है कि रात कथूरी वंडी है जिन्ना नैन निंद्रावले, कि रात को कस्तूरी बांटी जाती है, जो रूहानियत की खुशबू है उसकी दाद दी जाती है, मगर हम तो सोए होते हैं, हम तो उसे पाते नहीं हैं। और अमृत वेले की बहुत तारीफ है गुरबानी में कि अमृत वेले सच नाव बढ़ियाए विचार। तो ये कहते हैं कि हमने ये जो नुस्ख का चोला हमें प्रभु ने दिया था उससे फ़ायदा नहीं उठाया। हमें चाहिए तो ये था कि हम अपने सतगुरु के हुक्म के अनुसार अपना जीवन डालते, उसने जो हमें जीते जी मरने की विद्या सिखाई थी, जो नामदान बख्ता था उसमें हम अपना वक्त देते, वही हमारी सबसे बड़ी तवज्जो का मरकज बनता। और नौ द्वारों से ऊपर आके हम अपने गुरु के दिव्य रूप के दर्शन करते और उसकी दया मेर से रूहानी मंडलों से जाकर पहले उसमें लीन होते और फिर प्रभु में लीन हो जाते। मगर हमने तो ये अपना जो संसारिक जीवन था इसे गवा दिया। जागो देखो पिया से जना तेरे तोहे छांड उठ गयो सवेरे, कहे कबीर सोई तन जागे शब्द बाण और अंतर लागे। अब ये शब्द की बात करते हैं हम आमतौर पर तो बाहर के गाने बजाने को शब्द कहते हैं, किसी बात को लय में पढ़ लेना, राग में पढ़ लेना, उसी शब्द का पढ़ना कहते हैं। ये तो बाहर का शब्द है, मगर हमें तो धुनात्मक शब्द की ज़रूरत है, हमें तो प्राविद्या की ज़रूरत है, हमें तो अंतर का जो शब्द है उसकी ज़रूरत है। और जो शब्द है वो एक शब्द गुरुदेव का, वो तो गुरुदेव का जो शब्द होता है उसी का असली मानों में शब्द कहते हैं। और यही कहा गया है कि गगन में बात होती अति झीनी, कोई सुने रे ब्रह्म ज्ञानी। कि जो ब्रह्म ज्ञानी होता है वो हमारे अंतर हर वक्त जो जारी और सारी शब्द है जिसे हम नात कहते हैं, उद्गीत कहते हैं, नाम कहते हैं, शब्द कहते हैं, हरि कीर्तन कहते हैं, श्रोषा कहते हैं, कलमा कहते हैं, बांगे आसमानी कहते हैं, वॉइस ऑफ साइलेंस कहते हैं, सोनरस लाइट कहते हैं, या जिसे लॉगस कहा गया है, उसके साथ अगर हमारा कांटेक्ट हो जाए तो तभी हमारी ज़िंदगी का जो ध्येय है वह पूरा होता है। और ये वो शब्द वही ताकत है कि जिसके आधार से ये सारी दुनिया चल रही है, क्योंकि नाम के धारे खंड ब्रह्मण और उत्पत्ति परले शब्दे होवे, शब्दे ही फिरोपत होवे।
उसी अगर शब्द से हमारी दूज आत्मा लग जाए तो तब हमारा कल्याण हो सकता है, तब जो 84 लाख जिया जून का चक्र है ये ख़त्म हो सकता है, तब जो हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलाप है वो हो सकता है। और उसी शब्द की महिमा गुरबानी में की गई है कि शब्द धरती शब्द आकाश शब्दों शब्द व्या प्रकाश सगली शिष्ट शब्द के पाछे नानक शब्द घटो घटाचे, कि वो हर घट में है। मगर उसका कांटेक्ट तभी मिल सकता है जब हमें कोई ऐसी प्रभु रूप हस्ती अपने चरणों में बुला ले कि जिसने खुद मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ को हल किया है और हमें उसके हल करने में मददगार हो सकती है। और फिर ये शब्द जो है ये 10वीं गली में मिलता है, ये 9 दरवाज़ों में नहीं मिलता। 9 दरवाज़े तो बाहर के हैं, 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, 2 हमारे नाक के सुराख हैं, हमारी जबान है, मुंह है, और इसी तरह से गुदा और इंद्री हैं। ये 9 द्वारों में प्रभु नहीं मिलता है कि 9 द्वार ठाके तावत है 10वें निजगर भाषा पाए वो थे अनंत शब्द बजे दिन राती गुरमति शब्द सुनावनिया। और जब तक अंतर्मुख गुरु की दया से हमारी आत्मा इस नाम से नहीं जुड़ती तब तक इसे शांति नहीं मिलती, हमारे मन को टिकाव नहीं मिलता, हमें हमेशा का रस हमेशा की खुशी हमेशा की सरसारी नहीं मिलती। और ये जो साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ है, ये जो 84 लाख जिया जून का चक्र है, ये ख़त्म नहीं होता। तो ये कबीर साहब का चेतावनी का शब्द है, और उन्होंने यही हमें बताया है कि ये जो मनुष्य जन्म है ये जागने का वक्त है, हमें ख्वाबे खरगोश से जागना है। और दुनिया के तो सब लोग जो हैं वो सब सोए हुए हैं, वो तो हमें जगा नहीं सकते। हमें कोई ऐसी हस्ती जगा सकती है कि जो खुद प्रभु रूप है, जो हर वक्त जागती है, और हमें जो बेदार कर सकती है, जो हमें जगा सकती है। और ऐसे ही हस्ती को हम संत सदगुरु कहते हैं, पूर्ण सदगुरु कहते हैं, मुर्शिदे कामल कहते हैं, परफेक्ट मास्टर कहते हैं। तो उनका आशय ये है कि ये जो हमें सुनहरी मौका मिला है इससे हमें पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। हम जितने भी बहन भाई यहाँ बैठे हैं हम सब बड़े खुश नसीब हैं, क्योंकि हम में से कुछ तो वो खुश नसीब हैं जिन्हें हमारे मुर्शिद आज़म से नामदान मिला है, बेशतर भाइयों को हुज़ूर पुनूर से नामदान मिला है, तो बाकी बहन भाइयों को भी उन्हीं के हुक्म से और उन्हीं के नाम में नाम की दौलत मिल रही है। हमारे हुज़ूर पुनूर फरमाया करते थे कि वी आर थ्राइस ब्लेस्ड, कि हम पे 3 नेमतें जो हैं नाजल हो चुकी हैं, 3 बरकतें हमें मिल चुकी हैं। पहली बरकत तो ये कि हमें इंसानी जिस्म मिला है, दूसरी ये कि गुरु ने हमें अपने चरणों में बुला लिया है, और तीसरी ये कि हमारे गुनाहों को नज़रअंदाज करके हमें नामदान बख्श दिया है। अब वो फरमाया करते थे कि हमें खुद अपने आप पे रहम करना चाहिए, तो हमें यही चाहिए कि जैसा हमारे गुरु ने हुक्म किया है वैसे ही हम अपने जीवन को बनाएं, हम डायरी रखें, हम भजन में वक्त बाकायदगी से दें, अपने जीवन को सच्चा और सुच्चा बनाएं, हमें नम्रता कूट कूट कर बरी होनी चाहिए, हमारी ज़बान में मिठास होनी चाहिए, हमें हर वक्त निष्काम सेवा की भावना होनी चाहिए। और जो हमारा समय ज़ाया हो चुका है वो तो ज़ाया हो चुका है, बाकी ज़िंदगी के जो क्षण हैं वो अपने सतगुरु की याद में, उसके प्यार में, उसकी लगन में, उसके भजन में गुजारने चाहिए, ताकि हमारी ये दुनिया भी समझ जाए और हमारी आत्मा भी समझ। प्यारे भाई और बहनों, हम सब बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमें
दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के दिव्य वचन सुनने को मिले। जो जो भी उनसे मिला उसने यही अनुभव किया कि संत दर्शन सिंह जी महाराज ने उनसे सबसे ज़्यादा प्रेम किया। वो बार बार समझाते थे कि प्रभु प्रेम के महासागर हैं, हमारी आत्मा उनका अंश होने के नाते प्रेम से भरपूर है और प्रभु के प्रेम के जरिए ही हम अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से करवा सकते हैं। तो प्रभु का प्रेम हम सबके भीतर चल रहा है, शब्द के जरिए हम उसके साथ जुड़ते हैं। शब्द जिसके दो रूप हैं, ज्योति और श्रुति। तो थोड़ी देर के लिए आप सब प्रभु की ज्योत के दर्शन के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा और जो आपके आई बॉल्स हैं, आंखों के डेले सीधे सामने होने चाहिए, जैसे कि आप 8 या 10 इंच अपने सामने फोकस हों। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन यहाँ नए हैं वो पिता परमेश्वर के किसी भी नाम का जाप कर सकते हैं। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह दिखेंगे, बड़े ध्यान से जो भी नज़ारे दिखते हैं उसे ध्यान से देखिएगा और आप देखेंगे कि दिन ब दिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते चल जाएंगे, आपको अंदर में प्रभु की ज्योति, आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य और बहुत से नज़ारे देखने को मिलेंगे। जब हम इन नज़ारों को देखते हैं तो हमें शांति मिलती है, प्रभु के प्रेम का अनुभव होता है और हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर में मैं आपको इस अभ्यास से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि प्रभु को पाने का रास्ता, दृष्ट रास्ते पर इन महापुरुषों ने हम सबको चलाया है, उस रास्ते पर हम तेज़ी से चल सकें। इन महापुरुषों की दया कृपा हम सब पर बनी रहे ताकि हम अपनी मंजिल को बहुत ही जल्दी पा लें।